हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड किया जाता है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन पोजीशन तक लाने में जो निगेटिव वर्क डन किया जाता है। निगेटिव वर्क डन यहाँ पे हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया जाता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और अभी हम लोगों से पूछा जाए कि इस सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ये Q1 चार्ज है यहाँ पर और ये रखा हुआ है फ्री स्पेस में, और यहाँ पे पूछा जाएगा कि Q1 पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे ये डिफाइंड नहीं, अनडिफाइंड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कभी भी हम लोग सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन नहीं करते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए किया जाता है। सिस्टम ऑफ चार्जेज कहने का मतलब क्या, वहाँ पे मोर देन वन चार्ज तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। या तो यहाँ पे जैसे एक Q1 है तो सेकेंड कोई चार्ज हम लोग किसको लाएंगे, Q2 को लाएंगे, और Q2 को कहाँ से लाया करते हैं, इन्फिनिटी से, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो इस चार्ज को जो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन पॉइंट है, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो गिवन पॉइंट मान लेते हैं P है, तो इस P पॉइंट पर यहाँ से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लाने में, यहाँ से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से P पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जाता है, यहाँ पे निगेटिव वर्क डन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और हम लोग वर्क किधर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं। यानी ये Q1 चाह रहा है कि Q2 को हम अपने फील्ड से क्या कर दें, बाहर कर दें। ये इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर हम लोग पकड़ करके इसको इसके अगेंस्ट में ये कह रहा है नहीं भाई बाहर जाओ, और हम लोग कह रहे हैं इसको अंदर लाएंगे। तो यहाँ से अंदर पी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन हो रहा है, जो निगेटिव वर्क डन हो रहा है, इसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये सब हम लोग लास्ट क्लास तक देख चुके हैं। हाँ, वहाँ पे हम लोगों ने सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, टू पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए और मेनी पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड किया है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि एक एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से गिवन पोजिशन तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसको फाइंड करना होता है। वो बहुत अच्छा मेथड नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए। बच्चों, आज हम लोग एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे, जहां से बिल्कुल ही आसान हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना। ध्यान देना है, हाँ, ये हम लोग पिछले क्लास तक कर चुके थे। आज यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो हम लोग मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, उस टॉपिक के एक छोटे से फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे n चार्ज पार्टिकल दिया हो, हाँ, कहा जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेज। हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, जब भी हम लोग को n पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना हो, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ पेयर सेलेक्ट करेंगे कि जितना भी जो सिस्टम दिया हुआ है उसमें चार्ज पार्टिकल का कितना पेयर बनेगा। तो सबसे पहले है लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ पेयर। हाँ, टोटल नंबर ऑफ पेयर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n(n-1/2). टोटल नंबर ऑफ पेयर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n(n-1/2). याद होगा हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं
एन सी टू बराबर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। ये मैथ्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, परमोटेशन एंड कम्बिनेशन एक चैप्टर है जिसमें ये फॉर्मूला बताया जाता है, एन सी टू बराबर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। यहाँ पर हमारा एन क्या है, हेयर एन क्या है, तो गिवन चार्ज है ये, नंबर ऑफ गिवन चार्ज यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ये यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। हाँ, अब इसका यूज करके n इंटू एन माइनस वन बाई टू, इसका यूज करके हम लोग कोई भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जो हम लोगों ने पहला केस वन किया था। हाँ, केस वन में कहा गया था कि एक पॉइंट चार्ज ये क्यू वन है, सेकेंड ये पॉइंट चार्ज क्यू टू है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। तो अगर हम यहाँ पे पेयरिंग मेथड, जो जिस मेथड की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, इस मेथड से अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने जाएं, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेयर। हाँ, टोटल नंबर ऑफ पेयर, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर के लिए n इंटू एन माइनस वन बाई क्या कर देना है, टू कर देना है। n यहाँ पर कितना है, वन और टू, दो चार्ज पार्टिकल है, तो क्या लिखेंगे, टू इंटू टू माइनस वन बाई टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन। तो यहाँ पर जो पेयर बनेगा, एक ही पेयर बनेगा इन दोनों चार्ज का। अब सीधा यहाँ पर हम लोग को लिख देना है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनर्जी ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम इक्वल टू क्यू वन क्यू टू के क्यू वन क्यू टू बाय दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इस सिस्टम का यहाँ पे जो गिवन सिस्टम है, इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। हाँ, हम लोग लास्ट क्लास में जो केस टू किए थे उसको भी हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। केस टू में ये मैनी पॉइंट चार्जेज का सिस्टम था, यहाँ पे ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है क्यू ए, ये है क्यू वन क्यू टू के फॉर्म में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा क्यू वन है, ये क्यू टू है और ये क्यू थ्री है। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो यहाँ पर भी हम लोग नंबर ऑफ पेयर देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा, हम लोग फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे देख भी सकते हैं। एक पेयर बनेगा वन टू का, एक पेयर बनेगा टू थ्री का, एक पेयर बनेगा थ्री वन का। क्या इसके अलावा भी कोई पेयर है, नहीं। अगर हम फार्मूला से भी फाइंड करते तो क्या लिखते, एन थ्री इंटू थ्री माइनस वन बाई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोल सिक्स बाई टू इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो पेयर होगा वो कितने होंगे, थ्री होंगे। अब इजिली यहाँ पे लिख सकते हैं यू सिस्टम, हाँ यू सिस्टम इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं, ये आर वन है, ये आर टू है और ये आर थ्री है। तो यहाँ पर इन दोनों क्यू वन और क्यू टू का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये पेयर जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये पेयर, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकेंड पेयर है और ये थर्ड पेयर है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे के Q1, Q2 और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, बोल R1 लिख देंगे, R1 प्लस फिर Q3 और Q2 के लिए, तो लिखेंगे के Q2, Q3 बाई क्या हो जाएगा, R2 प्लस के Q1, Q3 बाई क्या हो जाएगा, R3। तो यही इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब इस तरह से हम लोग कितने भी चार्ज पार्टिकल क्यों ना दिए हों, आसानी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, कहीं से कोई भी परेशानी नहीं आने वाला है। इस पे हम लोग कुछ और एग्जांपल करते हैं ताकि और अच्छे ढंग से ये क्लियर हो सके। हाँ, कोई भी डाउट नहीं रहे। अब एक अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पर एक स्क्वायर है, ये अपना स्क्वायर रहा, स्क्वायर के जो फोर कॉर्नर हैं ए बी सी, ये ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, इस स्क्वायर का साइड ए दे रखा है। अब यहाँ पे सेम चार्ज हैं,
जितने भी कॉर्नर है सब पे सेम चार्ज, क्यू 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 सारे कॉर्नर पर सेम चार्ज है। अब कहा जा रहा है यहाँ पे फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी यहाँ पे जो ये सिस्टम दिया हुआ है इस सिस्टम का हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो बहुत ही आसान है बताना, यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पेयर देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितना होगा, एक ए पॉइंट और बी पॉइंट के चार्ज से पेयर बनेगा, फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कम चार्ज रहे, जैसे अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस तरह से ए और बी का एक पेयर बनेगा, फिर बी और सी का एक पेयर बनेगा, यानी एक पेयर ये रहा एक पेयर ये रहा, फिर सी एंड डी का एक पेयर बनेगा ये, हाँ फिर डी एंड ए का पेयर बनेगा। यानी यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पेयर इधर बना वो कितना हो गया, चार हो गया। क्या यहाँ पे कंप्लीट पेयर हो गया, नहीं है कंप्लीट। अभी यहाँ पे और भी दो पेयर पॉसिबल हैं, एक ए और सी का पेयर, हाँ और एक बी और डी का पेयर, ये पेयर, यानी ए और सी भी एक पेयर बनाएगा और एक पेयर बनेगा बी और डी का, यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेयर जो होगा वो सिक्स पेयर होगा। फॉर्मूला से भी देख सकते थे क्या, टोटल नंबर ऑफ पेयर इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन कितना है बोल, फोर इंटू फोर माइनस वन बाई टू, कितना आ जाएगा 12 बाई टू इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो 6 पेयर में एक दो तीन चार, चार पेयर जो बने हैं वो कितने डिस्टेंस पे हैं, ए डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस भी कितना होगा ए, ये भी कितना होगा ए, ये भी कितना होगा ए, और सभी पॉइंट पर जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है सब सिमिलर चार्ज पार्टिकल है, हाँ। और दो पेयर जो बने हैं, दो पेयर उनके बीच का अगर डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस होगा कितना, ए रूट टू। दो पेयर जो बन रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस है ए रूट टू, और चार पेयर जो यहाँ पर बने हैं उनके बीच का डिस्टेंस है ए। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं यू सिस्टम, हाँ यू सिस्टम इक्वल टू फोर के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस टू के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू। फोर क्यों लिखे, क्योंकि फोर चार्ज ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला तीनों का सेम होगा, ऐड कर देंगे फोर के क्यू स्क्वायर बाय ए हो जाएगा, प्लस ये पेयर जो डी और बी का पेयर है, जो ए और सी का पेयर है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो आ जाएगा टू के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू। यहाँ से अगले स्टेप में लिख सकते हैं यू सिस्टम, हाँ यू सिस्टम इक्वल टू U सिस्टम इक्वल टू टू के क्यू स्क्वायर बाय ए इंटू, यहाँ पर आ जाएगा टू प्लस वन बाय रूट टू, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। ये जो सिस्टम है यहाँ पे गिवन सिस्टम, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा टू के क्यू स्क्वायर बाय ए इंटू टू प्लस वन बाय रूट टू। हाँ आई होप कि ये एग्जाम्पल भी आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे यहाँ पे ताकि और बेहतर हो सके, हाँ कोई भी परेशानी नहीं है, ये बहुत अच्छा मेथड है, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। जब हम लोग एग्ज़ाम कोई भी कंपटीशन को फेस कर रहे होते हैं वहाँ पे एक एक सेकंड का बहुत वैल्यू होता है, और वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम लोग को एकदम टाइम सेव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। हाँ ध्यान देना है, आगे हम लोग फिर एक एग्जांपल को ले रहे हैं, इसी टाइप का है ये अगर इस तरह का कोई सिस्टम दे रखा है, ये सिस्टम है स्क्वायर है ही है अभी भी, ये स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे ये साइड ए है, क्यू प्लस में है, क्यू प्लस में है, क्यू प्लस में है, और यहाँ पर क्यू किस में है, माइनस में है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो कहा जा रहा है कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है, कहा जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो बड़ा ही सिंपल है, इसका भी जवाब देना, यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ पेयर कितना होगा, 6 होगा, हाँ 6 पेयर बनेंगे, यहाँ पर भी एक पेयर ये इन दोनों का, फिर इन दोनों का पेयर, फिर इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, फिर ये एक पेयर होगा और ये पेयर होगा।
तो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे यू, यू सिस्टम लिखेंगे सिस्टम, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि इन दोनों के पेयर का जो बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए, फिर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए इन दोनों के पेयर के लिए, फिर इन दोनों के पेयर के लिए भी क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, फिर इन दोनों के पेयर के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए लिखेंगे, फिर इन दोनों के पेयर के लिए माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू, इन दोनों के पेयर के लिए लिखेंगे प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू। यहाँ से देखोगे ये 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 सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा यू सिस्टम, हाँ ये यू सिस्टम किसके इक्वल होगा, बोल, जीरो के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सब एकदम पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस इस पर क्वेश्चन करने हैं। जो भी डीपीपी में क्वेश्चन दिया हुआ है सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ए बी और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर ये साइड ए है और ये साइड का लेंथ भी कितना है, ए है। ऑब्वियस है, जब ये ए है और ये ए है तो ये साइड कितना हो जाएगा, ए रूट टू हो जाएगा। हाँ, ए रूट टू। अब यहाँ पे ए और बी पॉइंट पे सिमिलर चार्ज पार्टिकल है, ए पॉइंट पर भी स्मॉल क्यू है और बी पॉइंट पर भी क्या है, स्मॉल क्यू है। लेकिन यहाँ पर जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, यहाँ पे कैपिटल क्यू दे रखा है, ए पॉइंट पर क्यू है, बी पॉइंट पर भी स्मॉल क्यू ही है और सी पॉइंट पर कैपिटल क्यू चार्ज दे रखा है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है इफ क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो then find relation between capital Q and small Q। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये Q और कैपिटल Q, इन तीनों चार्ज पार्टिकल का यहाँ पे सिस्टम दे रखा है। कहा जा रहा है यदि इस सिस्टम का जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, वो किसके इक्वल है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यहाँ पे टोटल कर देना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या है, जीरो, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। तो हम लोगों को कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कितना पेयर बनेगा, तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाएगा, 3, ये, हाँ ये, यानी ए और सी के बीच एक पेयर बनेगा, एक पेयर ए और बी के बीच बनेगा और एक पेयर बी और सी के बीच बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यू सिस्टम इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोल, इन दोनों के पेयर के लिए लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाय ए, फिर हम लोग लिखेंगे प्लस इन दोनों के लिए लिखेंगे के क्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यू स्क्वायर नहीं, क्योंकि इस पेयर में एक कैपिटल क्यू है और एक स्मॉल क्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ए रूट टू, प्लस ये ए और सी के लिए लिखेंगे हम लोग के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय क्या लिखेंगे, बोल, ए लिखेंगे। अब यहाँ पे सब में से के क्यू कॉमन आ जाएगा, के क्यू बाय ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस कैपिटल क्यू बाय रूट टू, प्लस यहाँ पे भी एक कैपिटल क्यू आ जाएगा, कैपिटल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हाँ, 0 इधर नहीं करेंगे अभी, ये यहाँ से ये हो जाएगा,
यहाँ पे यू सिस्टम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू सिस्टम क्या है, जीरो है। यू सिस्टम क्या है जी, जीरो है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है, जीरो है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको वन प्लस, यहाँ पे क्यू आएगा, ये वन नहीं रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक है, ये क्यू रहेगा। लिखेंगे क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाय रूट टू प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। लिख सकते हैं इसको हम लोग, कैपिटल क्यू कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वन बाय रूट टू प्लस वन इक्वल टू माइनस क्यू। ये रिलेशन हो जाएगा। इसको आगे भी प्रोसीड कर सकते हो और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन हम यहीं पे इसको रख रहे हैं। तो कैपिटल क्यू इंटू वन बाय रूट टू प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के किसी भी क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का मेथड बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।